हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। और आज के लेक्चर में जो है हम बेसिकली जो पहले दो चैप्टर्स हमने पढ़े उससे रिलेटेड जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास कैप्लन स्टडी टेक्स्ट है, ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं हम वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। कि ये जो तीन फीचर्स हैं इनमें से कौन कौन से जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको पता था कि बोथ रिकॉर्ड्स जो हैं वो आर मेंटेन्ड, कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के दोनों के रिकॉर्ड्स आप मेंटेन रखते हो, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। तो अब डिस्कस करते हैं कौन से पॉइंट्स एलिमेंट है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर अकाउंट्स आर हेल्ड इन द सेम लेजर। तो यस, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में एक ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक ही जगह पे दोनों का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर वन तो ठीक है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स भी और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी एक ही जगह पे आप रिकॉर्ड करते हो, सेम लेजर का यही मतलब है। देर आर नो इंडिविजुअल लेजर अकाउंट फॉर रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में आपके रिसीवेबल और पेबल के जो लेजर्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम होता है कॉस्ट का, वहां पर क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो उस अकाउंट्स में आप रिसीवेबल और पेबल को रिकॉर्ड नहीं करते, इंस्टेड उनकी जगह आप फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट का वर्ड यूज करते हो। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में तो हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि कोई इंडिविजुअल लेजर नहीं होता, होता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में अगर हम कॉस्ट बुक कीपिंग कर रहे हैं तब ये दो लेजर्स उसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर थ्री, ट्रांजेक्शन आर कोडेड फॉर बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पजेज एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पजेज। जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसको आप जो है एक ही ट्रांजेक्शन एंटर हो रही है और उसी से आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप उनकी जो कोडिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पस के लिए सेपरेटली ही करोगे, ठीक है। तो जब भी ट्रांजेक्शन आप एंटर करोगे तो आप सेपरेट कोड दोगे उसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो वन और थ्री ट्रू है, तो वन एंड थ्री ओनली आपका आंसर होगा। इसके बाद उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट नेसेसरी अ क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन सी क्वालिटी है जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी नहीं है। तो पहला पॉइंट है इट शुड बी रेलिवेंट, तो ये तो अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है कि जिस पर्पस के लिए उसके लिए रेलिवेंट हो। नंबर टू, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, तो ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है ना कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल होगी तभी तो उसकी बेस पे फैसले लिए जा सकेंगे। इट शुड बी वर्थ मोर देन इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस, कि उससे फायदा आपको ज्यादा और खर्चे के मुकाबले में उसको प्रोड्यूस करने की। तो बिल्कुल कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस हमने पढ़ा था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप जो हासिल कर रहे हैं उसका खर्चा कम होना चाहिए और उससे फायदा ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन की खसूसियत है। लास्ट, इट शुड बी अवेलेबल क्विकली, तो ये कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी नहीं है। इट शुड बी अवेलेबल टाइमली अगर लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता, ठीक है। अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है उसका जल्दी मिलना जरूरी नहीं है, उसका टाइम पे मिलना जरूरी है। ऑप्शन डी जो है ना वो आपका गलत आंसर है, क्योंकि ये कोई क्वालिटी नहीं है अच्छी इंफॉर्मेशन की। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी चारों में से स्टेटमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। तो नंबर वन स्टेटमेंट लिखी है कि डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स बिफोर दे हैव बीन प्रोसेस्ड, तो ये तो इंफॉर्मेशन ना हुई। डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स लेटर्स सिंबल्स इवेंट एंड ट्रांजेक्शन व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट येट प्रोसेस्ड, अभी भी अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर भी इसको हम इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। फैक्ट्स दैट हैव बीन समराइज बट नॉट येट प्रोसेस्ड, तो ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि जो लास्ट पॉइंट है कि डेटा जिसको आपने ऐसे प्रोसेस किया है कि वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाए, तो ऐसी चीज को आप इन्फॉर्मेशन कहते हो, ठीक है। तो जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे रॉ चीज को, तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इन अ कंपनी। ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का जो पर्पज है वो कंपनी में इन चारों में से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने गौर करना है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, ठीक है। तो पहला,
प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ करंट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, ये तो बिल्कुल और बिल्कुल है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस से कंट्रोल करना, प्लैंड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, ये कंट्रोल एलिमेंट में आ जाता है, तो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस होता है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करना, ये भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस होता है। टू इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आप कस्टमर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो क्या होती थी, वो एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती थी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप ये एक्सटर्नली रिपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए ये कोई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस फुलफिल नहीं करती। जो कस्टमर को इन्फॉर्म करना कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस नहीं है, ठीक है। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि है तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहे, लेकिन ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हम इंटरनली कम्युनिकेट करते थे, अगर आपको याद हो, अपने मैनेजर को करते थे, ना कि थर्ड पार्टी को, और वो भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को। डी जो है ना आपका राइट आंसर है, और ये पर्पस नहीं है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग ओनली, नहीं, ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने सही नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इन्वेंटरी को वैल्यू करते थे, गुड्स की कॉस्ट निकालते थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, यानी कि कॉस्ट निकाल ली, उस पर प्रॉफिट हमने देख लिया कि कितना हमने डालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली, इंटरनल पर्पस के लिए नहीं, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी हम करते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना होता है कि हमारी इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है। ये भी हम लास्ट क्लास में बात डिस्कस कर चुके हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने स्टार्ट किया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए भी हम करते हैं, मतलब इन्वेंटरी को वैल्यू करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, इंटरनल पर्पस के लिए भी करते हैं और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी करते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होती है, जबकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी होती है। तो इस वर्ड ओनली की वजह से जो है ना, देखें स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गई है। इसके नीचे लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्लानिंग कंट्रोल, बिल्कुल ये तो सही बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इसीलिए करते हैं, जो रूटीन की इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन डिसीजन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी होती है। तो स्टेटमेंट है ये ए जो है ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें उसने कहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आप सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए करते हो, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखें लास्ट स्टेटमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप अपने इंटरनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप इंटरनल पर्पस के लिए भी कर सकते हो। अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो थी हमने उसमें क्या कहा था कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल भी होती है और नॉन फाइनेंशियल भी होती है, तो इस स्टेटमेंट डी का भी यही मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन में वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सी जो है वो अच्छी क्वालिटी है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की। तो पहले है डिजिटल ब्रीफ रेलिवेंट, ठीक है। अब डिजिटल अब जरूरी नहीं है कि डिजिटल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, अगर कागज पर लिखी हुई है तो वो अच्छी नहीं है, ये तो ए स्टेटमेंट इससे फॉल्स हो जाती है। रिलायबल कंसिस्टेंट एंड टाइमली, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ट्रू है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पे आप रिलाई कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स से होती है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप एक कंसिस्टेंट सोर्स से उसे कलेक्ट कर रहे हो तो वो कंपेरेबल होती है, ठीक है। और टाइमली का मतलब ये है कि आपका फैसला लेने से पहले ही आपको मिल जाती है। ऑप्शन बी जो है ये सारी क्वालिटीज को बता रहा है, ठीक है। अब जो ऑप्शन सी है सिक्योर एक्यूरेट प्रिंटेड, अब प्रिंटेड इसमें नहीं हो सकता, सिक्योर हम कह सकते हैं, अगर सिक्योर है तो वो में बेनिफिशियल हो सकती है। एक्सेसिबल यूनिवर्सल कंप्लीट, अभी यूनिवर्सल जो है यहाँ पर पॉइंट ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन सेवन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर एक्यूरेट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स।
तो ये तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जी मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होंगी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये तो फॉल्स है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो आप इंटरनल यूज के लिए करते हो, जबकि फाइनेंशियल जो है वो आप एक्सटर्नल यूज के लिए करते हो, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में आपके बेसिकली बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, सप्लायर्स आ जाते हैं, ठीक है, बैंक आ जाता है। तो अगली स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर डिटेल्ड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स हैं उसमें डिटेल आप ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक फिक्स फॉर्मेट होता है ना, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो आप डिटेल में हर चीज के बारे में, कंपनी के प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज्यादा नंबर्स में होती है, क्योंकि आपने उसी की बेस पे तो प्लानिंग करना होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये ऑल्सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप वो एनुअली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंट होती हैं। जब जब मैनेजमेंट को चाहिएगी तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मंगवा लेगी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट से कहेगी कि हमें रेडी करके दो, ठीक है। और लास्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? इंटरनल पर्पस के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होता है। ये लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ क्वालिटी ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, इसमें से कौन सी जो है क्वालिटी ऐसी है जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन की हमेशा होती है? इमीडिएटली अवेलेबल, तो बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमीडिएटली अवेलेबिलिटी अच्छी क्वालिटी नहीं है, टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल टू एवरीवन नहीं, जरूरी नहीं है। रिलायबिलिटी जो है वो हमेशा हमेशा जो है आप देखोगे कि यार क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, क्या ये एक ऑथेंटिक सोर्स से हमने गैदर की है या नहीं, ठीक है। रिलायबिलिटी जो है ना वो हर इन्फॉर्मेशन में हर सूरत में होना जरूरी है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब डेटा इज हेल्ड ऑन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज इन फॉर्म दैट इज रीडेबल टू ह्यूमन बींग्स, तो ये तो कोई बात ना हो, ठीक है। डेटा जरूरी नहीं है कि डिजिटल फॉर्म में ही हो, ठीक है, डेटा डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। अब एट 10th, which of the following items of information might be produced by management accounting system? ये इन चारों में से कौन सी information है जो कि management accounting system ने produce की होगी, ठीक है। Management accounting system क्या information produce करता है जो कि मदद करे managers की planning, decision making और control में, ठीक है। अब income tax deducted from employers' wages and salaries, तो ये एक financial accounting purpose के लिए होती है, ठीक है। तो ये तो management accounting system नहीं प्रोड्यूस करेगा। अमाउंट्स ऑफ मनी ओड टू सप्लायर, नहीं, ये भी नहीं करेगा, ये तो फाइनेंशियल है। करंट बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट भी फाइनेंशियल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोड्यूस करके दे सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, ठीक है। तो आइटम ए बी और सी वो सारे फाइनेंशियल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है, जबकि आइटम जो डी है वो हमारा मैनेजमेंट पर्पस के लिए होता है, ठीक है। कॉस्ट कलेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल बजटेड कॉस्ट में एनालिसिस करना, ये सारे मैनेजमेंट के काम होते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग पर्पस के लिए हमारे काम आता है, तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो रिपोर्ट ये प्रोड्यूस कर सकती है, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकती है। अब 11 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दैट कुड बी यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आउटसाइड द कंपनी मिल रही है उसको आप एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं कंप्यूटर प्राइस इंडेक्स के, प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन कितनी जा रही है, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ठीक है। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और गवर्नमेंट एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन के, तो यही जो है ना हमारी एक्सटर्नल सोर्स से आएगी। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये वही बात आ जाती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें
किस चीज के लिए काम आती है, मैंने आपको बता दिया प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, उसमें हमारा ताल्लुक होता है कॉस्ट कलेक्शन से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं सेल्स बजट। अब बजट है ना, बजट क्या मतलब होता था, बजट का मतलब ये होता था कि फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। वेरियंस रिपोर्ट, वेरियंस रिपोर्ट का मतलब होता है एक्चुअल और बजटेड को आप कंपेयर कर रहे होते हो इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो एक्चुअल बजटेड को आप कंपेयर कर रहे होते हो, कंट्रोल में आ जाता है, तो ये वेरियंस रिपोर्ट, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। पे रोल रिपोर्ट जो है ना, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पे रोल में क्या हो रहा है, आप लेबर कॉस्ट निकाल रहे होते हो, ठीक है, मतलब आप टोटल लेबर, बेसिकली टोटल लेबर जो कॉस्ट होती है, लेबर को कितनी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। पेरोल का ताल्लुक होता है लेबर को कितनी पेमेंट करनी है, उससे होता है। तो इसीलिए जो है ना, ये एक सेपरेट एक्टिविटी, और ये मैनेजमेंट अकाउंट्स में हमारे नहीं आएगी, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का ताल्लुक होगा कि यार लेबर कॉस्ट कितनी है, वो उससे तो वो उनका होगा ताल्लुक यार कि लेबर जो है उसको कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है, लेकिन पेरोल रिपोर्ट में ये शो रहा था कि आपने पेमेंट कितनी की है। तो जो पेमेंट का ताल्लुक होता है, जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ये एक सेपरेट रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट नहीं होती। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बट नॉट इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सी चीजें जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में तो होगी लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होगी। तो आपने बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उनमें कॉस्ट रिलेटेड चीजें होती हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें होती हैं। तो देखते हैं सेल्स कमीशन पेबल टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कौन सी इंफॉर्मेशन बेसिकली जो है, कौन सी रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे होते हैं, वो होती है बेसिकली कॉस्ट रिलेटेड, ठीक है, वो हम जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सी है। नंबर वन है इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी आइटम जो है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो होगा लेकिन वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में हम कॉस्ट और रेवेन्यू रिलेटेड चीजें डालते हैं, ठीक है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें होती है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है सेल्स कमीशन पेबल टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब कमीशन पेबल का मतलब ये है कि आप कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन दे रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट है, तो कॉस्ट रिलेटेड चीज कहां पर आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में आएगी। तो ये तो हमने नहीं बताना, हमने बताना कि फाइनेंशियल में कौन सी आएगी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, तो फिर से कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी कॉस्ट की ही बात हो रही है। तो जो सी ऑप्शन है, इसमें प्रॉफिट्स जो हम डिविडेंड में से देते हैं, ये एक फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में ही होगी। अब इसके बाद है व्हाई इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों वैल्यूएबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू मेक द करेक्ट डिसीजंस। नहीं, जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजंस लेगी। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू रीच मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यस, कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। देखिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पज ये होता है हेल्प करना, कि बंदा जो है तो फैसला ले प्रॉपर पूरी रिसर्च के बाद, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, ठीक है, अपने से बेतुका डिसीजन ना ले ले। तो बी ऑप्शन राइट होगा। 15 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफिस मैनुअल इज नॉट करेक्ट। ऑफिस मैनुअल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑफिस मैनुअल क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ऑफिस मैनुअल का मतलब होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स और गाइडेंस है, आपने उस पर लिस्ट डाउन की होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डीलिंग विद आउट ऑफ ऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। ऑफिस मैनुअल में तो जो रेगुलर चीजें होती हैं उनके बारे में लिखा होता है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्या है, कैसे आपने ऑपरेट करना है, गाइडलाइन क्या है। पहली स्टेटमेंट ही आपकी गलत होगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट बी जो है, दे कैन बी यूज्ड टू चेक ऑन द करेक्ट प्रोसीजर्स। तो ये तो ट्रू है। दे कैन बी यूज्ड टू हेल्प विद द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ। बिल्कुल ये ट्रू है, न्यू स्टाफ को की ट्रेनिंग में हेल्प करेगी। न्यू स्टाफ को अगर पता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्या है, रूल्स क्या है, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग अच्छी होगी, और ये जाहिर सी बात है हेल्प करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन ए गलत है, ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी सिचुएशन या अनयूजुअल सिचुएशन के लिए नहीं होता, बल्कि रेगुलरली ये यूज होता है। इसके बाद है व्हाट इज प्राइम एंट्री रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली एक FA1 का सवाल है, ठीक है।
तो जो पहला रिकॉर्ड आप बेसिकली करते हो ट्रांजेक्शन का, उसको आप प्राइम एंट्री रिकॉर्ड कहते हो, ठीक है। आपने F1, जिन्होंने F1 के लेक्चर्स देखे हैं उनको आइडिया हो जाएगा। ये आप इनके बारे में फिक्र ना करें, ऐसी चीजें कोई आपको MA1 के एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगी जो कि F1 रिलेटेड है। 17 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। नंबर वन, इन अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन सेम लेक्चर सेम लेजर। इंटरलॉकिंग में तो सेपरेट होते थे ना, तो ये पहले स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। तो नंबर ऑफ एरर्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी लेस देन इफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड। बिल्कुल, कंप्यूटर्स में एरर के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअली। मैनुअली जो है करप्ट करना डाटा को, मैनुअली एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड मोर क्विकली इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम देन इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। कंप्यूटर जो है फैसिलिटेट करते हैं हमें फास्ट काम करने के लिए, ठीक है। फास्ट काम हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे मोर एक्यूरेटली, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। 2 और 3 ट्रू है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अब ये फिर FA1 रिलेटेड चीज आगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है आपने ट्रांजेक्शन को जो है ना दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द मेन लेजर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज डेटा। डेटा बेसिकली क्या होता था, रॉ फॉर्म में पड़ा होता था। तो नंबर ऑफ परचेज एक्विजिशन, परचेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि ये हम आगे चैप्टर 4 में मटीरियल कॉस्ट में भी डिस्कस करेंगे। ये स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि यार हमें ये मटेरियल चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ परचेज एक्विजिशंस है, एक रॉ फॉर्म है, एक रॉ फैक्ट, एक रॉ सी चीज है, ठीक है। तो ये डेटा कहलाती है। एनालिसिस ऑफ वेजेस, तो एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, प्रोसेस करना। तो एनालिसिस आपने किया हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। एक टेबल है जो कि आपको वेरियंस बता रहा है बजट से। वेरियंस का मतलब होता है एक्चुअल और प्लान में डिफरेंस, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि आपको ये कोई चीज बता रहा है। ग्राफ देखें, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, ये सारे एक इन्फॉर्मेशन ही होती है ना। आपने जो डाटा होता है उसको एनालाइज कर दिया होता है इस फॉर्म में, इसीलिए जो BCD है आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो A है वो आपका डाटा होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क होता है। प्राइमरी डाटा जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज के लिए कलेक्ट किया होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि बेसिकली ऑलरेडी एक कलेक्ट होता है लेकिन लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में। तो अब इसमें से देखते हैं कि प्राइमरी डाटा कौन सा है। इंफॉर्मेशन ऑन टाइम शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग अप वेजेस। टाइम शीट वो डॉक्यूमेंट होती है जिसमें आपने रिकॉर्ड किया होता है कि एक एम्प्लॉई जो है वो जो 9 to 5 वर्क कर रहा होता है उसमें आवरली बेसिस पे कितने कितने यूनिट्स बना रहा है, उस हिसाब से आप उसकी तनख्वाह निकाल सकते हो। ये प्राइमरी डाटा है, ठीक है, क्योंकि ये इसी एक पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है ना, पे निकालने के लिए, ये प्राइमरी है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कंसर्निंग। अब देखें ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का, क्योंकि ये किसी पर्पस के लिए नहीं है, ऑलरेडी आपको अवेलेबल था, ठीक है, आप सेकंड टाइम इसको यूज कर रहे हो, तो मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये सेकेंडरी डाटा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेड पब्लिकेशंस यूज टू चूज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल था, ठीक है, किसी एक पर्पस के लिए आपने इसको गैदर नहीं किया, तो ये भी सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वो एक पर्पस के लिए आप गैदर करते हो, जबकि सेकेंडरी जो होता है वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होता है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 आंसर होगा, सी आंसर होगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फीचर है। इट इज यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फीचर है। लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर दिस इन्फॉर्मेशन, यस, ये लीगली रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। 22 में, व्हाट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सी टर्म है जो कि फैक्ट्स, फिगर और इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही होती है बेसिकली। तो साइंटिफिक टर्म जो है वो डेटा होती है, ठीक है, इन्होंने फैक्ट, फिगर्स एंड नंबर्स होना चाहिए थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है अपनी बात को, मतलब इन्होंने कोलाइड कर दिया, तो आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो डेटा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से क्या चीज ट्रू है इन स्टेटमेंट में से। इट इज द सेम एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं, इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, जरूरी नहीं है, ये मैनुअल भी हो सकती है, प्रिंटेड हो सकती है, वर्बली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, हमने पढ़ा था एक्सेसिबिलिटी में। इट शुड बी कम्प्लीटली एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, तो ये बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है।
ना तो इसका कंप्लीटली एक्यूरेट होना जरूरी है, एक्यूरेट जो है वो अप टू सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है, और रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट भी इसने गलत बात लिखी हुई है कि जितना मर्जी खर्चा हो जाए ठीक होनी चाहिए, नहीं, कॉस्ट वर्सेज बेनिफिट एनालिसिस देखना है, और यही ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तभी आपने इस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना है अगर इसका खर्चा जो है वो कम है और इससे फायदा आपको ज्यादा हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ट्रू होगा। 24 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन फॉर द वेजेस डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कंपनी, लार्ज कंपनी का वेजेस डिपार्टमेंट है, तनख्वाहों वाला डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या चीज इसमें से इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो देखते हैं। अ कोड ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल ये एक इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल है, डायरेक्टर्स से जनरेट की है। अ न्यू नेशनल मिनिमम वेज, changes to tax coding arrangement issued by tax authorities, the company's employees schedule of hours worked, ठीक है, तो अच्छा चल ठीक है ठीक है, इसमें हमने बताना है इंटरनल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो कोड ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, देखें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो ये अलग डिपार्टमेंट है तो ये हमारी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज भी एक्सटर्नल होती हैं, ठीक है, यूके में होती है हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स HMRC, तो ये भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। नेशनल मिनिमम वेज और गवर्नमेंट की तरफ से बताई जाती है तो ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल होगी, ये भी हमें सेपरेट एक डिपार्टमेंट से पता चल रही है एक्सटर्नल है। लास्ट जो है कि कंपनी के एम्प्लॉय का शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से वो काम करते हैं, तो ये हमारे लिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। 25 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स बट मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट, इनमें से कौन सी चीजें जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में तो शामिल होंगी लेकिन कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं होंगी, तो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। देखिए अभी हम जब डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आगे जाके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन देखें जो जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन हमने ये बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या चीज होती है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली एक एक्सपेंस है, जिन्होंने F1 पढ़ा हुआ है उनको पता होता है, तो डेप्रिसिएशन भी एक तरह की कॉस्ट है तो वो भी शामिल होगी। बैंक इंटरेस्ट एंड जो चार्जेस होते हैं, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जिंग जो है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में होंगे, ठीक है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में होंगे, ना कि ये कॉस्ट अकाउंट्स में होंगे। 26 में है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एन ऑफिस, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन के ऑफिस की, अ सेंटर फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द बिजनेसेस, नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती, अ सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी चीजें जो है वो आप प्रोसेस कर रहे होते हो, रिकॉर्ड कर रहे होते हो, एक्सचेंज कर रहे होते हो, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन भी कर रहे होते हो, एडमिनिस्टर भी कर रहे होते हो, तो बी जो है सबसे सुटेबल डेफिनेशन है। वो कह रहा है इसमें से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑफिस मैनुअल, ऑफिस मैनुअल यानी कि वही बेसिकली जो रूल्स एंड गाइडेंस है उनके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ सर्विस रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज रिड्यूस्ड, देखें इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर हम क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक इंटरनल सी चीज है, दे क्रिएट ब्यूरोक्रेसी एंड डीमोटिवेट स्टाफ, नहीं तो जरूरी नहीं है, दे डू नॉट फैसिलिटेट द इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऑफिस मैनुअल तो आपको गाइडलाइंस देते हैं ना कि आपने कैसे ट्रेन करना है स्टाफ को, ठीक है, तो ये तो गलत बात है कि फैसिलिटेट नहीं करते। तो ऑप्शन वन है, ठीक है, कि अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स डस लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो ये बात सही है कि अगर रूल्स और गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, इसीलिए जो है ऑप्शन ए जो है वो डेफिनेट एक डिसएडवांटेज है। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, सबसे कम चांसेस क्या है कि इनमें से कौन सा काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है, तो नंबर वन है अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ पेबल्स, तो पेमेंट करना अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिल्कुल करता है। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू बी पेड टू स्टाफ, तो देखें ये भी अकाउंट्स कर सकते हैं ना क्योंकि उसने तनख्वाहें उन्हें देनी होती हैं। डिस्पैच ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर के ऑर्डर्स के डिस्पैच जो है उसका ताल्लुक अकाउंट से नहीं होता, सी जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही करता है। अब लास्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्राइम एंट्री रिकॉर्ड्स, ये दोबारा F1 का सवाल आ गया, ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो
to calculate the cash received and spent by a business, need to prevent a large volume of unnecessary details in the ledger. बिल्कुल, ये जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं लेजर की, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक ही जनरल लेजर में जो है ना सारा कुछ पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, ये एफ वन रिलेटेड चीज है, ठीक है। बेशक आप ना भी करें तो कोई ऐसा जिससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 29 क्वेश्चंस थे कैपलन से मैंने आप कराए, ये 29 हमारे रिलेट करते थे जो हमने स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स पढ़े उनसे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स से एग्जाम में आपको हार्डली 2-3 MCQs आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको हर चीज के बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास फिनिश होगी है।